The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। 40 साल पहले आटा चक्की से शुरू किए गए बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देने वाले वीको एयरकॉन वाटर कूलर के मालिक प्रवीण जैन आज अर्श से स्पर्श पर आ गिरे। प्रवीण जैन का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्पष्ट गाइडलाइन है कि खाता एनपी होने के बाद उस पर ब्याज देय नहीं होता को दरकिनार करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने उनके करीब 15 करोड़ रुपए की फैक्ट्री को 8.5 करोड़ रुपए में कबाड़ियों को बेच दिया, जबकि वह मूल रकम देने के लिए बराबर बैंक के चक्कर लगा रहे थे। प्रवीण जैन ने आज मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल को अपने परिवार पर आपड़ी परेशानी से अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री को उनके माध्यम से पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने बैंक के इस एक तरफा फरमान को वापस न लिए जाने पर परिवार समेत आत्महत्या करने की स्वीकृति मांगी है। दरअसल प्रवीण जैन की रुड़की भगवानपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की फैक्ट्री है। उनका मेरठ शारदा रोड पर बीको नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से शोरूम है। उन पर पंजाब नेशनल बैंक का करीब 15 करोड़ रुपये ऋण है। इस पर करीब इतना ही ब्याज है, यानी करीब 30 करोड़ रुपये बकाया। बैंक ने 17 मई 2022 को प्रवीण जैन पर 29.5 करोड़ रुपये बकाया बताया है। उद्यमी प्रवीण जैन का आरोप है कि उन्हें बिना बताए फैक्ट्री को भेज दिया गया, जिस कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आज फर्स्ट बाइट को उद्यमी प्रवीण जैन ने यह जानकारी दी। मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है और 1982 में मैंने केवल आटा पीसने की चक्की से 10,000 रुपये से अपना काम शुरू करा था और आज मेरठ में और पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में लोग हमारा बीको बिरला एयरकॉन के नाम से प्रोडक्ट को जानते हैं। हम गीजर, कूलर, एयर कंडीशन, वाटर कूलर, डिफ्रीजर बनाते हैं और ओरिएंटल बैंक के सहयोग से हमने 10,000 रुपये की मदद लेकर के काम शुरू करा था और धीरे धीरे 40 सालों में हमने जितनी भी हमारे को मार्केट से सपोर्ट मिलती गई हम प्रोडक्ट बनाते गए। 2005 में हमने उत्तराखंड में जो स्कीम आई थी वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई थी जिसका नाम था बीए इंटरनेशनल। वो फैक्ट्री हमने बैंक से 2.25 करोड़ रुपए का लोन लेकर के स्टार्ट करी थी, तभी हमारा अकाउंट एनपीए नहीं हुआ। लेकिन बाद में जो 2013 में हमने 5.32 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसमें हमने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी के लिए बैंक से लोन लिया था। उस टाइम हमारी टर्नओवर वहाँ रुड़की की 60 करोड़ रुपए की थी। उसी टाइम हमने बैंक से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी सीसी लिमिट 6 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी जाए, तो बैंक ने हमें 5.32 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, जिससे हमने लैंड, बिल्डिंग वगैरह वहाँ बनाई और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को हमने चालू कर दिया। उस टाइम ओरिएंटल बैंक के जो DGM साहब थे उनको हमने फैक्ट्री में विजिट कराई। विजिट करने के बाद वो बहुत खुश हुए, कहने लगे आपने बहुत सुंदर फैक्ट्री बनाई है, आप अपने पैसे पूरे जमा करा लो और हम आपकी लिमिट बढ़ा देंगे। लेकिन उन्होंने लिमिट बढ़ाने में 3-4 महीने लगा दिए। इस बीच में हमारी कैपिटल की जो शॉर्टेज थी वो शुरू हो गई। बड़ी फैक्ट्री होने के कारण हम आगे उसे चला नहीं पा रहे थे और 30/9/2016 को हमारे अकाउंट NPO हो गए। उसके बाद हमने बहुत सारी जगह से कोशिश करी कि किसी भी तरह से हमें कहीं से और लोन मिल जाए और फैक्ट्री हमारी चालू हो जाए, लेकिन कहीं से लोन नहीं मिला और 30/9/2016 को हमारा अकाउंट NPO हो गया। उसके बाद बैंक ने सबसे पहले हमारे घर का कब्जा लेना चाहा, उसमें हमारी DM साहब ने, SSP ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी मदद करी। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी बैंक के पास 8 प्रॉपर्टी हैं, आप पहले वो प्रॉपर्टी बेच करके लोन पूरा कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है और अगर किसी वजह से लोन पूरा नहीं हो पाएगा तो हम घर भी खाली कर देंगे। उसी बेस पे बैंक ने ज़बरदस्ती हमसे कागज़ों पे साइन करा लिए, मेरठ में स्थित हमारा शोरूम को भी सील कर दिया और 2 जनवरी 2019 में हमारी चलती हुई फैक्ट्री रुड़की की भी सील कर दी। उस समय फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 250 आदमी कार्यरत थे। उस फैक्ट्री की उस टाइम जो टर्नओवर थी तकरीबन 70 करोड़ थी। इन्होंने ना तो DM से परमिशन ली, ना लेबर कमिश्नर से परमिशन ली और पुलिस को लेकर के 15 मिनट में ही फैक्ट्री से सील कर दी। वहाँ पे जो पंचनामा बनना चाहिए था मौके पर वो पंचनामा भी नहीं बनाया और उस टाइम उसमें लिखवा दिया कि वहाँ पे कोई मालिक हमें उपलब्ध था ही नहीं। उसका विरोध जब हमने बाद में बैंक में करा, हमने वीडियो मांगी तो उन्होंने ना तो हमें वीडियो दी
ना उस चीज़ के ऊपर गौर करा जो वहाँ पे स्टॉक था 5 से 7 करोड़ रुपए का, उसको केवल 1 करोड़ रुपए का दर्शा करके वो पंचनामा की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उसके बाद में हम बराबर पिछले 2 साल से मेरठ में भी और जोनल ऑफिस में भी, मेरठ और हेड ऑफिस भी बराबर बैंक के संपर्क में हैं। शुरू में बैंक वालों ने हमसे 11 करोड़ रुपये मांगे कि भाई 11 करोड़ दे दो तो आपके सारे लोन ख़त्म हो जाएंगे। हमारे लोन केवल तकरीबन 15-15.5 करोड़ के करीब हैं, जिसके लिए हम और पंजाब नेशनल बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पैसा किसी भी तरह से आप हमसे लेकर के हमारा OTS पूरा कर दो। करोना काल में 2021 में पंजाब नेशनल बैंक ने एक परतापुर का प्लॉट, एक दरियागंज का ऑफिस हमारा, जिसकी कीमत उस समय 4 करोड़ के आसपास की थी, इन्होंने 2 करोड़ 3 लाख रुपए में ही वो बेच करके वो पैसा मूल की जमा करने के बजाय उसको ब्याज में जमा कर दिया, जिससे हमारा मूल वहीं के वहीं खड़ा हो गया। उसके बाद में हम बराबर इनके संपर्क में हैं कि किसी भी तरह से हमारे से पैसा लेकर के हमारे को आप ऋण मुक्त कर दो और ये हमारा OTS हो करके वह हमारा ख़त्म हो जाए। अभी हाल में ही 26/8/2022 को बैंक ने ई टेंडर के थ्रू जो रुड़की वाली फैक्ट्री थी जिसकी वैल्यू 14 करोड़ रुपए थी, उसको बैंक ने कबाड़ियों को 8.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। और बेचने के बाद में 8 सितंबर 2022 को उन कबाड़ियों को 8.5 करोड़ का बैनामा भी कर दिया, कब्जा भी दे दिया, सेल लेटर भी दे दिया और वो पूरी फैक्ट्री उन्हें हैंडओवर कर दी। और हमारे को इसकी कोई जानकारी बैंक ने नहीं दी, लेकिन जब हमें 10 तारीख में जैसे ही हम फैक्ट्री पहुँचे तो वहाँ कबाड़ियों ने हमसे कहा जी आप बैंक वालों से बात करो, हमने ये फैक्ट्री ख़रीद ली है। फिर वहाँ हमने पुलिस बुलवाई, पुलिस को उन्होंने अंदर लेकर के दिखाया कि हमारा ये बैनामा हो गया है और हमारे को अंदर वहाँ कोई घुसने भी नहीं दिया। पुलिस को हमने FIR लिखवाने की कोशिश करी, पुलिस ने हमारी FIR नहीं लिखी, कहने लगे जी आप बैंक पर करो, बैंक ही आपको इस बारे में अवगत कराएगा। क्योंकि हमारे सारे रास्ते बैंक वालों ने बंद कर दिए हैं, हम पिछले 6 साल से बैंक से परेशान हैं, ये हमारा OTS लेने को तैयार नहीं है। कम से कम 8 से 10 बार मैं OTS दे चुका हूँ। बीच में जो 1.25 करोड़ का चेक मैंने मार्जिन मनी का दिया था वो इन्होंने 2 बार पास कराया, पास कराने के बाद में उसका ड्राफ्ट बना करके हमें लौटा दिया। अब जब हमारी जो मेन फैक्ट्री थी जो हम फाइनेंसर की सपोर्ट से OTS करा रहे थे, जब इन्होंने 8.5 करोड़ में बेच दिए तो हमारे पास कोई फाइनेंसर भी सपोर्ट नहीं देगा। हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन है हमारी बात को सुन लिया जाए, जो हमारे साथ बैंक वाले अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय हमारे साथ ना हो। हमारी बात सुनने के लिए ही हमने प्रधानमंत्री से और योगी से गुनाह कराई है कि अगर हमारी बात सुनी जाती है तो जो 40 साल में हम यहाँ तक पहुँचे थे, आगे भी चल के वो उद्योग भली भांति करोड़ों रुपए पहले भी टैक्स जमा कराया, आगे भी जमा रहेगा। अगर कोई बात नहीं सुनी जाती है तो हमने अपनी अंतिम इच्छा बताई है कि हम पूरे परिवार के साथ अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। अभी तक हमें कोई भी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, योगी जी के यहाँ से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ से किसी ने भी कोई संपर्क नहीं करा कि जब एक उद्योगपति इतना परेशान है उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है और बैंक वाले हमारे ऊपर जास्ती पर जास्ती करते जा रहे हैं। उसके सारे सबूत मेरे पास हैं, सारे कागज़ मेरे पास हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से और योगी से निवेदन करूँगा कि वो एक बार हमारी बात सुने। अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती है तो हमें दंड दे, अगर हमारी गलती नहीं है तो बैंक से हमारे को हमारी फैक्ट्री वो वापसी दिलाई जा, जो उनके पैसे OTS में हम देना चाह रहे हैं वो पैसे लेकर के हमें ऋण मुक्त करा जाए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जैन साहब, अभी आपके ऊपर कितना बकाया है बैंक का? हमारा बैंक के ऊपर 5 मई 2022 ने जो लेटर दिया हुआ है वो 15,31,000 रुपये बकाया है, जिसको बैंक भी मान रहा है और हम भी मान रहे हैं, लेकिन बैंक उसको बढ़ा चाल आ करके बताता कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा OTS ये लौटा देता है कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास ज़्यादा की हैं, आप OTS की वैल्यू बढ़ा करके दो, इतनी वैल्यू पे आपका OTS नहीं हो पाएगा। अभी लास्ट उन्होंने कितना बोला? लास्ट में उन्होंने जो लेटर दिया है कि मिनिमम जो आपको रिकवर ड्यूज देने हैं वो 22 करोड़ रुपये देने हैं। अभी हमने अभी उनको जो ऑफर करा है लास्ट 13 करोड़ रुपए का हमने उनको ऑफर करा है 25/8/2022 को, और 2,03,00,000 रुपए वो ऑलरेडी हमारी 2 प्रॉपर्टियों से वसूल कर रखे हैं, जिसको फ़िलहाल उन्होंने ब्याज में डाला हुआ है। हमने रिक्वेस्ट करी है कि ये हमारा मूल में जमा कर दिया जाए, इसलिए जो 15,31,00,000 रुपए बैठते हैं वो आपका अमाउंट पूरा हो जाएगा और हम ऋण मुक्त हो सकते हैं अगर आपका सहयोग मिल जाए।
लेकिन बैंक किसी भी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। मेरठ में जो इनका वेद व्यासपुरी में जोनल ऑफिस है, वहाँ पर मैं खुद 25 तारीख में गया था 13 करोड़ रुपए का चेक लेकर के कि भाई आप इसको जमा करके हमारा OTS फाइल करवा दो। वहाँ उन्होंने ये कहा कि जोनल मैनेजर साहब अभी ऑफिस में नहीं है, जब आएंगे उसके बाद ही हम रिसीव करेंगे। उन्होंने, मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन उन्होंने हमारा कोई वहाँ चेक जो है वो OTS जमा नहीं करा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।